बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। मारिया बी का बहुत डिमांडिंग आर्टिकल आपके सामने लेके आए। टॉप नॉच क्वालिटी का ये आर्टिकल है, कोशिश की है सेम एज ओरिजिनल की तरह इसको बनाएं। अनफोल्ड करते हैं डिटेल के साथ इसकी, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिक की। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, ठीक है। थ्री पीस सूट है, फ्रंट आप देख सकते हैं पूरा हैंड एम्बेलिश है, अड्डा ओवर के साथ है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा वेडिंग का रेड कलर है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट में ओपन किया हुआ है, ठीक है। पूरा हैंड एम्बेलिश अड्डा वर्क के साथ इस पर सारा काम है, नक कुंदन का इसके ऊपर काम है, थ्रेड जरी सीक्वेंस का काम है। अच्छा, ये इसका अपर का हिस्सा है, नेकलाइन देख लें, इस पर भी टोटल हैंड वर्क का काम है। प्योर ऑर्गेन्जा पे जो है ये पूरा हैंड एम्बेलिश काम इस पर बना हुआ है। साइज़ इसका जो है लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज सब बन जाएगा, इसीलिए इतना फैब्रिक इस पर गिवेन है, ठीक है। लाइनिंग का कपड़ा आप अपनी बॉडी के हिसाब से खुद परचेज करेंगे, ठीक है। हमने जो है वो ट्राउज़र दिया है इसके साथ, ठीक है। इसका पूरा फ्रंट हो गया। दामन के बॉर्डर की बात कर लेते हैं। जैसा दामन का बॉर्डर ये है, सेम एज इट इज़ उसी फैब्रिक पे ये पूरा दामन का बॉर्डर दिया गया है, ठीक है। दामन का बॉर्डर भी जो है बहुत खूबसूरत हैंड एम्बेलिश के साथ ये पूरा दिया गया। ये मैंने जो है थोड़ा सा फिनिशिंग कर दिया, वरना आपको ये पूरा फैब्रिक मिलेगा, क्योंकि ये एप्लिक होगा आपकी लेंथ के हिसाब से। फुल साइज़ की लेंथ बनेगी, अच्छी खासी लंबी लेंथ है ये, ठीक है। इसके बाद एक लेस ये दी गई है जो कि हैंड एम्बेलिश लेस है, ठीक है। ये पूरी चाक तक लेस आएगी, ऊपर तक ये जा रही है, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है मैंने रख के दिखाई है आपको, पूरी चाक की तरह ऊपर तक लेस जा रही है, ठीक है। तो ये जो है इसका कंप्लीट हो गया पूरा फ्रंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्लीव्स की। फुल साइज़ की स्लीव्स दी गई है, ऑर्गेन्जा प्लस रॉ सिल्क। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये प्योर रॉ सिल्क पर है, ठीक है। जिस तरह ओरिजिनल में बिल्कुल एप्लिक के साथ दिया गया है, हमने जो है सॉरी ओरिजिनल में जो है दोनों अलग अलग पीस दिए, हमने जो है पूरा वन पीस में दिया है और पूरा एप्लिक करा दिया ताकि आपकी कॉस्ट बच जाए। ये पूरी एक स्लीव्स है, ये आप देख सकते हैं पूरी हैंड एम्बेलिश अड्डा ओवर के साथ, ये पूरी एक स्लीव्स है। इसमें आप देखें काम कितना खूबसूरत नफीस हुआ हुआ है, ठीक है। ये पूरी एक स्लीव्स हो गई और ऊपर का हिस्सा जो है जैसा कि मैंने आपको बताया रॉ सिल्क का फैब्रिक है, ठीक है। नीचे ऑर्गेन्जा का है। इसके बाद ये लेस एक दी गई है, ठीक है, वन यार्ड की। बेल स्लीव बनाना चाहेंगे इजीली बन जाएगी। प्लेन ऑर्गेन्जा की बैक है डाइट, ये आप देख सकते हैं। प्योर रॉ सिल्क का ये ट्राउज़र है, ठीक है। और बैक के दामन के लिए ये लेस दी गई है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है इसकी कंप्लीट हो गई, जो जो इसके साथ आया था। दुपट्टा हमारा रेडी टू वेयर होता है, ये आप देख सकते हैं। ओरिजिनल में ना दुपट्टा रेडी होता है और ना जो है खूबसूरत सी लेस है और फिनिश होता है। ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं गोटा टाइप लेस लगी हुई है, ठीक है। फोर साइड ये वाली लेस लगी हुई है, माथा पट्टी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसका पूरा पल्लू है और ये जो है इसकी पूरी माथा पट्टी है, ठीक है। ये आपके सामने है, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड और जरी और सीक्वेंस के साथ इसका दुपट्टा है। बहुत खूबसूरत सा रेडी टू वेयर दुपट्टा है। कोशिश कीजिए कम से कम इसके अंदर आपको स्टिचिंग का एक्सपेंस हो, ठीक है। तो एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देते हैं, जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है सेम एज इट इज़ ही डिलीवर होगी, ठीक है। थैंक यू।